सीखने वालों, अब हम मनुष्यता 10वीं कक्षा का उसके अगले दो पद्यांश लेकर आए हैं। शुरू करते हैं। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस तथा लभी तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी उसी नर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ अर्थात भूख से पीड़ित रंतिदेव एक परमदानी राजा हुए हैं, पुराणों में दर्ज हैं। करस्त हाथ में अस्थि जाल हड्डियों का ढांचा जिसे हम अंग्रेजी में स्केलेटन कह सकते हैं। उशीनर गांधार देश के राजा हैं। क्षितिश राजा, क्षितिश का अर्थ है राजा। स्वमास अपने शरीर का मांस, चर्म चमड़ा और अनित्य मरणशील और अनादि जीव अमर प्राण। तो यहाँ पर बात की गई है उन उदार लोगों की जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया कि रंतिदेव क्षुद्धार्थ जो कि भूख से पीड़ित थे और उनके हाथ में थाल था भोजन का जो वो कर रहे थे, भोजन अभी करने वाले थे, उसी समय उनके समक्ष एक भूख से पीड़ित मनुष्य आ गया जो कि मजबूर था। तो उन्होंने बिना कुछ विचार किए, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि राजा के पास भी अन्यत्र और थाल नहीं था भोजन का, तो उसी समय उन्होंने वो थाल अपने सामने वाले मनुष्य को समर्पित कर दिया। ये उनकी उदारता है, ये परोपकार है, बिना स्वार्थ के, बिना किसी मंशा के, बिना सोच के कि उन्होंने अपना थाल उस भूखे व्यक्ति को दे दिया। और दधीची, अगर आपने पौराणिक कार्यक्रम देखे हो, इंद्रदेव की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जो अस्थि जाल था अपने इस देह को भस्म कर दिया, क्योंकि उससे उनकी जो हड्डियों के अस्थि जाल से, जो हड्डियों के जाल से जो वज्र बना था उसी से इंद्र अर्थात देवताओं ने असुरों का नाश किया था, उन्हें युद्ध में पराजित किया था। उसी नर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, अर्थात जो क्षितिश गांधार देश के राजा थे, इन्होंने एक पक्षी को बचाने के लिए जब इंद्रदेव ही उनकी परीक्षा ले रहे थे, वो बाज बन के आए थे, उस पक्षी के भार के बराबर उन्होंने अपने शरीर से मांस काट काट कर दिया ताकि उस पक्षी की जान बचाई जा सके। और वो जो बाज था अर्थात इंद्रदेव जो बाज बनकर आए उनकी परीक्षा ले रहे थे, तो वो उस मांस को ले जाए और पक्षी को छोड़ दें। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चरण दे दिया। अब जब कर्ण दुर्योधन के मित्र रहे, चाहे बुराई का साथ दिया लेकिन अच्छाई उनमें हमेशा थी, तो जब उनके पास उन्हें पता होते हुए भी कि ईश्वर रूप बदल कर उनके पास आए हैं उनके कुंडल और कवच मांगने, क्योंकि कवच जो उनके शरीर के साथ ही जुड़ा था, जो उनकी हमेशा एक हिसाब से उन्हें अमरत्व प्रदान किया हुआ था, तो वो भी उन्होंने हंसी हंसी खुशी अपने कुंडल और कवच दान कर दिए, जिसके साथ उनके शरीर का चर्म भी चला गया। तो यहाँ पर दधीची जी, कर्ण, गांधार देश के राजा जी और रंधिदेव, इन सभी चार मनुष्यों का उदाहरण इसलिए दिया गया कि उनकी उदारता दिखाई गई कि किस लिए उन्होंने बिना सोचे समझे अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, तो यहां पर कवि कहते हैं कि इस अनित्य देह जिसका अंत निश्चित है इसके लिए अनादि जीव, क्योंकि उसकी जो आत्मा वो तो अनादि है, वो क्यों डरा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, तो अर्थात मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे और जी। अगला पद्यांश। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा आहा वही उदार है परोपकार जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब सहानुभूति हमदर्दी, महाविभूति महान पूंजी, वशीकृता वश में करने की जो एक लालसा होती है, विरुद्धवाद परंपराओं के विरुद्ध जाना, विनीत लोक वर्ग लोक वर्ग लोगों के विभिन्न वर्ग, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कवि सहानुभूति की कि वो कहते हैं कि इस दुनिया में हमें भी कहीं ना कहीं होता है कि हम दुनिया को वश में कर लें, जितने आसपास लोगों ने वश में रखें, लेकिन जब हम अच्छाई पर उतर आते हैं तो दुनिया अपने आप वश में आती है, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं होती। किसी को 10 रुपये देंगे वो 2 मिनट के लिए इज्जत करेगा, लेकिन अच्छे काम करेंगे हमेशा के लिए इज्जत करेगा। तो यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि सबसे जो महान पूंजी है वो है हमदर्दी, सहानुभूति। तो अगर हम अपने मन में सहानुभूति रखेंगे, जो हमारे मन में पूरे समाज को वश में करने की मंशा है, वो लालच के साथ तो नहीं हो सकती, डर के साथ नहीं हो सकती। जब हमारे दिल में सहानुभूति होगी, हम सभी के लिए अच्छे कार्य करेंगे, तो अपने आप ये पूरा समाज हमारे चरणों में, हमारे कदमों में झुक जाएगा। वो उदाहरण देते हैं भगवान बुद्ध जी की, जो उस समय की परंपराओं के विरुद्ध जाकर उन्होंने समाज की भलाई का कार्य किया, उन्होंने अपना भी राजपाट त्यागा, और जब उन्होंने अच्छाई के काम किए परंपराओं के विरुद्ध जाकर, तो ये जो पूरा विभिन्न जो लोगों के वर्ग थे वो भी उनके
कदमों में जा गया, क्योंकि उन्होंने अपना राजपाट त्याग किया मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगे, और बाद में दुनिया को ज्ञान दिया, अपना राजपाट त्यागा। तो जब उन्होंने अच्छा किया तो पूरा समाज, ये पूरी सृष्टि उनके कदमों में झुक गई, अपने आप वश में आ गई। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो असल में तो जो परोपकार करे वही उदार है। कहां कैसे मदद करनी है ये भी जानना जरूरी होता है। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। धन्यवाद। तो अगर कोई सुझाव हो जरूर दिया करे साथ साथ। बाकी के दो पद्यांश अगले हिस्से में।